हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जिनसिंग के बारे में। दोस्तों जिनसिंग के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो इस वीडियो में बात करेंगे जिनसिंग क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और हमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। दोस्तों जिनसिंग एक तरह का हर्बल प्रोडक्ट है, जैसे अश्वगंधा आती है वैसे ही जिनसिंग भी एक तरह की जड़ है, जो कि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स में पाए जाते हैं और भी कई गुण पाए जाते हैं। ये आपको तीन तरह की मिलती है, पनैक्स जिनसिंग, अमेरिकन जिनसिंग और कोरियन जिनसिंग। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन तीनों का मिश्रण भी आपको मिल जाता है, तो एंटी एजिंग मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया इसका फ़ायदा है मर्दों के लिए। जो मर्द कमज़ोरी फील करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो इसे हर्बल व्याग्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको ताकत देता है, शक्ति देता है। ये आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, खास करके शादीशुदा मर्दों के लिए बहुत बढ़िया फ़ायदा देता है। उनका स्टैमिना बढ़ाता है और रात को अच्छा परफॉर्म करने में आपको मदद करता है। तो मर्दों के लिए बहुत बढ़िया फ़ायदा इसका देखा गया है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न घटाना चाहते हैं, तो इसमें एंटी ओबेसिटी गुण भी पाए गए हैं, जो कि बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट के साथ इसका सेवन करते हैं खाली पेट, तो ये आपके पेट को भरा रखता है और ज़्यादा चर्बी को कम करने में भी मदद करता है। इसमें मेल या फीमेल की बात नहीं है, कोई भी ले सकता है। दोस्तों ये आपकी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि स्किन को हेल्दी रखता है। एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, जो कि स्किन पे होने वाले रिंकल्स को भी दूर करता है। दोस्तों अगला इसका फ़ायदा है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए तो ये रामबाण औषधि माना जाता है, खास करके पीरियड्स में। जिन महिलाओं को पीरियड्स में बहुत ज़रा पेन होती है, पीरियड्स इम्बैलेंस हैं या रुक रुक के आते हैं, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद मानी जाती है जिनसिंग। ये आपके बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आपके हेयर फॉलिकल कमज़ोर हैं, बाल टूट रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो बालों के लिए भी जिनसिंग को काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाता है, जिससे कि बाल हेल्दी रहते हैं। अगर आपकी ब्रेन फंक्शन सही नहीं है, याददाश्त बहुत कमज़ोर है, कोई ऐसा काम करते हैं कि याददाश्त ज़्यादा चाहिए, तो याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है, मूड को भी बढ़िया करता है। दोस्तों जिनसिंग आपको जिम में एनर्जी भी देता है, स्टैमिना भी देता है। अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिम जा रहे हैं, कोई गेम करते हैं, तो उसमें एनर्जी और स्टैमिना के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनसिंग आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि आपको वायरल इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं जिनसिंग खाने के। अब हम बात करते हैं इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए। दोस्तों ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, 200 से 300 mg तक आप डेली ले सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये रात को नहीं लेना चाहिए। रात को लेने से आपको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। एलर्जी अगर आपको किसी चीज़ से है तो आप उसे छोड़ दीजिए। इससे आपका शुगर लेवल भी लो हो सकता है, इसलिए अगर आपकी शुगर लेवल पहले से लो है तो नहीं लेने चाहिए। हाई बीपी की अगर आपको प्रॉब्लम है तब भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर कोई महिला है, प्रेगनेंसी में है या फिर फीड करवाती हैं बच्चों को, तब फिर डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। तो ये सारे फ़ायदे हैं और नुकसान हैं जिनसिंग के। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जिनसिंग बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।